लिमोजी ने लंबी छोड़ी अंदर, डिस्को चल रहा है बाहर, मुझे एक पान बनाने वाला बैठा है गाड़ी में। देखो गाड़ी में पान की सुविधा भी हमारे, आपको पान खाना पैसे कम आती है, चलाना कम आती है, थोड़ा सा कल्ला अड़ा है साइड में, कल्ला ड्राइवर है भी। कल ईद है तो मेरे को जरूरत है हेयर कट की, तो मैं हेयर कट के लिए जा रहा हूँ विज्ञान नगर, फटाफट से चलते हैं। इतने अच्छे बाल कभी कट जाएंगे नहीं जमते, जितने ये लगते हैं ना अभी नाते भी गड़ जाएंगे, मेहनत करनी पड़ती वही नहीं होती। आज तो हेयर कट तो हो चुका है, तो शावर ले लिया जाए, मिलता हूँ शावर लेने के बाद। हेलो जी, तहे दिल से सभी को ईद मुबारक। आज वैसे ईद का नेक्स्ट डे है, यानी बाजी वाला दिन है आज। ईद के दिन मैं ज़्यादा ब्लॉग कर नहीं पाया, एक्चुअली बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं किया, क्योंकि भाई सुबह जल्दी उठ गए थे, इतने बिजी थे कि पूरा दिन कब निकल गया, फिर सो गए, खतरनाक वाली नींद आ रही थी। हालांकि सब लोगों से मिले और दोस्तों के घर भी गए, लेकिन व्लॉग करने की पता नहीं क्यों इच्छा नहीं हुई, तो आज व्लॉग करेंगे। आज का सीन ये है कि 12:30 बज चुके हैं ऑलमोस्ट, और हम लोगों को अभी जीशान के घर पे जाना है। जीशान ने सभी दोस्तों को दावत दी है, अभी मैं रेडी हो चुका हूँ, थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे जीशान के घर पे, तो वहाँ मिलवाऊंगा सभी दोस्तों से, बातें चीतें होंगी, उसके बाद देखते हैं क्या प्लान बनता है। और कल रात हम, ईद के दिन की बात कर रहा हूँ, कल रात हम घूमने भी गए, काफी मस्ती की, लेकिन बस व्लॉग ही नहीं किया। शाम को हम चले गए थे जीशान की गाड़ी में, जीशान की लिमोजिन में घूमने के लिए, लालसोट वाले हाईवे में चले गए थे और गाड़ी चलाई थी जीशान ने। सबकी धड़कनें तेज हो रही थी, उसको गाइड करते करते गए थे, पहली बार चला रहा था भाई तलंबे पे हाईवे पे, तो काफी मजा आया। पता नहीं फेस्टिवल के दिन ही मतलब जल्दी उठ जाते हैं ना, तो इस वजह से नींद ज्यादा आती है। देखो हर ईद पे मैं GTA खेलता हूँ, आज कैसे रह सकता हूँ, अभी मैं GTA 5 खेलने जा रहा हूँ अपने PC पे, और मैंने इसमें SSD इंस्टॉल करवा ली है। SSD के बाद जो परफॉर्मेंस है ना ओवरऑल वो काफ़ी फास्ट हो जाता है, बूटिंग स्पीड फास्ट हो जाती है, कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हो आप बहुत कम टाइम लगता है लोडिंग में। जब हार्ड ड्राइव था इसमें नॉर्मल 10 से 15 मिनट ये स्टार्ट करने में लगता था, अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है ये ओपन करने में। तो GTA 5 ओपन करते हैं अपन, अभी ये SSD भी इंस्टॉल है, देखते हैं कितनी देर में लोड हो पाता है। विंडो भी मैंने SSD पर इंस्टॉल किया है, और जो गेम है और जो भी मेरे सॉफ्टवेयर हैं वो सब मैंने SSD पर ही इंस्टॉल किए हैं, और मैंने 480 GB वाली परचेज की थी क्रूशल की। देखो कितनी फास्ट लोड हुआ, मतलब 2 मिनट भी नहीं लिए इसने, और यही चीज़ जब हार्ड ड्राइव भी था गेम तो तकरीबन 10 से 15 मिनट लेता हूँ। तो अब गेम खेलते हैं फटाफट, और गेम खेल के मिलता हूँ मैं सीधा जीशान के घर पे। मज़ा काफ़ी आता है यार गेम खेलने में, मतलब मैं जब भी खेलता हूँ ना ऐसा खेलता हूँ मैं जैसे पहली बार खेल रहा हूँ। ग्राफिक्स तो काफी हैवी है भाई, मॉन्स्टर ट्रक। मैंने पुलिस की वाट लगा डाली। ईद मुबारक, बाजी मुबारक, हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, चाय पी के जाना, बाजी मुबारक। फूड वीडियो, फूड वीडियो, इधर चेस, ये इंटेलिजेंट लोग हैं जो चेस खेल रहे हैं। जीनियस, G4 जीनियस। और भाई साहब ये स्पोर्ट्स कोटा है, तो इधर कैरम चल रहा है, ये स्पेस में जाने की तैयारी कर रहे हैं, जो अभी तो ये भूख उड़ाने का ये टेक्निक है, छोड़ देने वाला अभी चले, चलो भाई चलो। हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, ले पानी के जग तो उधर है यहाँ पे, अब पानी का क्या काम, चलो चलो चलो, फुल कर दे इसको। डिलाईवर साहब का ध्यान लगा जाए, डिलाईवर निकल रहा है तो निकल रहा है तो आज गाड़ी की कमान जीशान भाई के हाथ में, फुट 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 तो पान दब गया तो लिमोजिन का सफर। लिमोजिन है लंबी छोड़ी अंदर, डिस्को चल रहा है बाहर, मुझे एक पान बनाने वाला भी बैठा है आप गाड़ी में। देखो गाड़ी में पान की सुविधा भी हमारे, आपको पान खाना नवरत्न पान वाला, नवरत्न नवरत्न खुद ही आ गया, बच्चों की तरह नवरत्न। ओए कचरा बाहर फेंक, हाँ फेंक जोर से, चल जाएगा कार के आर पार, चल जाएगा थूक। एक बात बताना तुम यार, पायलट चला रहा, पायलट एकदम ऐसे AC में ओस चम रही है, ओस ठंडाई की वजह से। बार फेंक, बार फेंक, बार फेंक, फेंक बार फेंक इसको, उसके मुंह में थूके आ गया तू। गर्मी हो रही है, हल्का सा खोल लिया
जोश में हो, स्टेरिंग पता नहीं चलेगा। 90 पे पता 90 पे 90 से कम नहीं एक भी। गाइड करते हुए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, पहले गियर पे शतक लगाते हुए बहुत हल्की थे। हाँ कोच, कोच साहब ड्राइविंग की क्लासेस देते हुए सरस पार्लर ये सबसे अच्छी फैसिलिटीज गाड़ी की। रोज वाला, रोज वाला, एक मिनट गुलाब जल, एक मिनट रुकना। ये तो उसकी तरह केसर, रोज भी सही है, रोज भी सही है, आधे केसर आधे रोज, सब चकली मतलब आधे आधे। एक एक गुट फिर चेंज कर जाए, अब गड़बड़ी नहीं हो जाए पेट में, रिएक्शन नहीं हो जाए गुलाब के और केसर के एक साथ। लगेंगे जी पैसे तो कौन सी बात है, सही है जोड़ीदारो। लस्सी में क्या सुकून है, मशीन के मजे पूरे पूरे। चलने दे चलने दे, कोटा नंबर है, चला 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 चला। अरे भाई से कम आती चला ना, कम आती है थोड़ा सा, कल्ला अड़ाई साइड में, कल्ला ड्राइवर है हेवी। ब्रेक लगाने नहीं आता उसे। भाई फोटो शूट चल रहा है गजब। वाह यार लो एक फिर मेरा भी खींचो नंबर फोटो के साथ। नंबर आ डीपी का फोटो, डीपी का फोटो। बच्चा गोदी में ये क्या कर रहा है, गियर कौन डालेगा, और मेरे को जिंदा रहना है यार, ऐसे मत बैठाओ यार, मैं जीना चाहता हूँ यार। अबे गेन उड़ गया, अबे उसको बैठना दे, नहीं लेना क्या, गाड़ी आगे बढ़ा दी, कदे जोड़ दो जीजान। अरे रुक जा फिरोज, फिरोज फोन हाथ पे थोड़ी लग रही अभी, अभी चलाएगा फिरोज, पट्टा सही कर रहा जीजान मेरा भाई। ये भी ड्राइवर आते हुए लिमोजिन के मजे ले थोड़ी देर, देख कली मत ऊपर बैठ रहा है, देख रहा हूँ मैं। अबे मैं इतनी देर से नीचे बैठ गया हूँ, वो नहीं देखा मैंने, कैसा आदमी है यार ये तो, ये तो शुरू से सीट पे बैठा, ओए ट्रेन में बैठा गया, ट्रेन के दरवाजे में बैठा है। शाम के 4 बज चुके हैं, चाय का वक्त हो चुका है, मैं इस वक्त चाय पी रहा हूँ। मौसम बड़ा खूबसूरत हो रहा है, मतलब एकदम अंधेरा से छा गया, बारिश आने वाली है काफी तेज वाली। एक बार दिखाता हूँ मैं आसमान में जो काले बादल छाए हुए हैं, मौसम देख रहे हो कितने काले बादल हैं एकदम आसमान में। सही है यार, लगता है तेज बारिश होने वाली है। उससे पहले अपन चाय पी लेते हैं, चाय की चुस्कियाँ ली जाएँ यहाँ बैठ कर, और लगता है नीचे चलना पड़ेगा क्योंकि पानी जो है वो तेज़ हो चुका है। इससे पहले कि मैं भीग जाऊं, मैं निकलता हूं नीचे और रूम में मिलता हूं, नीचे ही बैठ के चाय पियेंगे। मैं चाय के साथ अक्सर बिस्किट खाता हूं और मोस्टली वो पार्ले जी होते हैं, और आज मैं पार्ले जी गोल्ड लेकर आया हूं। अब पार्ले जी गोल्ड और सिंपल वाले पार्ले जी में फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि पार्ले जी जो थोड़े से जले हुए और शक्कर तेज़ होती है, मतलब मान लो जैसे राशन का बीपीएल वाला आटा और एक फाइन क्वालिटी का गेहूं वाला आटा। गोल्ड की फिनिशिंग अच्छी होती है, जले हुए नहीं होते और शक्कर कम होती है। तो कंपनी वालों की स्ट्रेटेजी सही है यार, मतलब फैक्ट्री में जब बनते होंगे जो जल जाते होंगे ना, उन बिस्किट को पार्ले जी के नाम से बेच देते हैं और जो फाइन क्वालिटी वो तो गोल्ड के नाम से बिकेगा ही सही। तो पार्ले जी वाले खेल गए, मतलब सही बिजनेस स्ट्रेटेजी है भाई। आजकल व्लॉग भी टुकड़ों में बन रहे हैं, अभी एडिटिंग करते टाइम पता चला कि मैं व्लॉग की एंडिंग करना ही भूल गया। कोई नहीं अभी कर लेते हैं एंडिंग। ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ आर मिलान व्लॉग्स।